नया चैप्टर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। बहुत ही लेटेस्ट यंग एक्ट है ये इसको हम रेरा भी कहते हैं। रेरा सुना है किसी ने? रियल सेक्टर्स, हाँ रियल एस्टेट का सेक्टर जो होता है, ठीक है। अब आजकल बड़ा डेवलप्ड बिजनेस है ये, ठीक है, डेवलपिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके खरीदते हैं, देखो क्या हो गया नम्रता को, चाय अच्छी नहीं बनाई थी तुमने। चलो, फ्लैट प्रॉपर्टीज बिल्डिंग्स और लैंड प्लॉट, ये सब के रिगार्डिंग जो भी हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, क्या करते हैं, हम फ्लैट बना के बेचने का काम करते हैं। प्रॉपर्टीज यानी जो भी घर, ये ड्यूप्लेक्सेस हम बनाते हैं, ठीक है। लैंड प्लॉट, जब एक लैंड कटता है उसमें प्लॉटिंग होती है तो वो प्लॉट 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 आप बेचते हो, ठीक है। ऐसी बिल्डिंग बना देते हो, बिल्डिंग बेच देते हो, फिर उसमें किसी को फ्लैट बनाना है तो वो। अब ये सब जो काम करता है ना इस एक्ट में, उसको बोलते हैं प्रमोटर, जो ये सब बनाने के काम करता है। हमने बिल्डिंग वर्ड सुना है, बिल्डर वर्ड सुना है ना, समझो प्रमोटर। इधर पे प्रमोटर को डिफाइन किया, एनीबॉडी हुज कंस्ट्रक्टिंग समथिंग या डेवलपिंग सम प्रॉपर्टी एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। बिल्डर नहीं, प्रमोटर। रियल एस्टेट एक्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर, ठीक है। अब जिसको ये देता है, जिसको भी ये बेचता है, हमने देखा फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं अलॉटीज। तो जिसको आप दे रहे हो वो कौन है, अलॉटी, जो लेता है आपसे प्रॉपर्टी। उनके राइट्स, उनके फंक्शंस और इस प्रॉपर्टीज में कैसे डील करना है, ये हमें रियल एस्टेट एक्ट में बताया हुआ है। चाहे जब भी आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी तो आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना है, इनके अगर डिस्प्यूट्स हैं इनके अगेंस्ट तो इसी के अंदर अथॉरिटीज बनाई हुई है, उनके पास जाके आप जाओ, अपने ग्रीवियंसेस लेके और सोल्यूशन लो। आप जो अलॉटीज को कैसे ट्रीट करोगे, प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज का टाइम लिमिट होता है कि फ्लैट इतने टाइम में बन जाना चाहिए। आप रेरा में रजिस्टर्ड हो, आप नहीं बने तो आप प्रमोटर नहीं होते हो, फिर इतना उन्होंने दिया है कि आपको वो प्रमोटरशिप से हटा देंगे, मत बनाओ तुम प्रॉपर्टी, हम बना लेंगे, हम दे देंगे जिसको राइट पर्सन को देना था। तो आपको बहुत ध्यान से इसमें काम करना होता है, अगर आपने टाइम पीरियड दिया है तो आपको देना है। इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो अगर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप सर्टिफिकेट दो। हर चीज आपको रेरा की वेबसाइट भी है, देखिए मध्य प्रदेश की, ये देखो, ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है बच्चे। ये देखो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स, 4830 रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है, नॉन रजिस्टर्ड अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। एजेंट्स होते हैं जितने, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हो, हम सुनते हैं यहाँ फ्लैट बन रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आने वाला है, तो आपको रेरा के अंदर वो सब रजिस्ट्रेशन कराना, अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। आपको अप्रूवल नहीं मिलती है तो आप वहाँ पे फ्लैट नहीं बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंप्लेन डिस्पोज बाय अथॉरिटी, डिस्पोज बाय मतलब जिसने, जितने उसने रिजॉल्व कर दिए हैं। ये सारे पब्लिक नोटिस सर्कुलर्स हैं, इसमें फॉर्म्स भी होंगे रेरा पे। कहाँ पे, ये इसमें इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, आप वो तुम घर पे देख लेना शॉर्ट पे। इसमें देखो एक्ट एंड रूल्स हैं, ये देखो ये लिखा है प्रमोटर, ये प्रमोटर, ये एजेंट्स, ये रजिस्ट्रेशन। तो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है और एजेंट को भी रजिस्टर कराना होता है। अभी स्टेटस क्या है इनके रजिस्ट्रेशन के, ये प्रमोटर के देखो नाम डले हैं, लिस्ट ऑफ प्रमोटर्स हैं, ठीक है, जीआर डेवलपर्स, ये एमपी के सारे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, डिफॉल्टर्स लिस्ट में भी डाल दिया, जो ढंग से काम नहीं करते ना, जिन्होंने टाइम पीरियड पे बोला था खत्म कर देते हैं वो नहीं करते, फिर उनको डिफॉल्टर्स में भी डाल सकते हैं। ये कंप्लेन्स हैं, ये फॉर्म्स होंगे फिर, ये देखो जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको ये फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, ठीक है।
sample of format while registering ongoing project, form B affidavit and declaration, agreement to sale, फिर form 2A, सब schedules आपको file करने पड़ेंगे, ये सब होता है रेरा के अंदर। हम देख लेते हैं इसके salient features क्या। ये introduction में basically लिखा है कि भाई आज की date में real estate इतना crucial है, इतने fraud होते हैं उसमें। simple fraud समझाती हूँ। एक builder ने building बनाई फ्लैट्स के लिए, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अभी बिल्डिंग बनाई थी इसने, अपना वो जो सैम आपकी वो बुकलेट होती है ना, प्रोस्पेक्टस जिसे आप बोलते हो, वो पूरी स्क्रीन में चला दी, इतने शानदार फ्लैट्स आने वाले हैं, ये वो। लोगों को इनवाइट किया था, इनॉग्रल सेरेमनी रखी थी, लोग आए, बुक करते करते चले गए, बुक हो गया, बुक हो गया, बुक हो गया, बुक हो गया, बुक हो गया। अब एक बेचारे ने बोला कि मेरे पास अभी घर नहीं है, तो कितने टाइम में मिल जाएगा? उसने बोला 2 साल में आपका फ्लैट तैयार हो जाएगा, ठीक है। कितना बोला? 2 ईयर्स में। बाकी सबने भी बुक किया था, सबको पता था कि 2 साल में हो जाएगा। इसने बोला ठीक है, मैं 2 साल रेंट पे रह लेता हूँ। ये बेचारा रेंट पे रहने लग गया। 2 साल हो गए, प्रॉपर्टी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। उसने बोला सर कितना टाइम हो लगेगा? बस 6 महीने, 6 महीने में आपको आपका घर मिल जाएगा। उसने यहाँ पे रेंट टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड से बात की, 6 महीने और। फिर वो 6 महीने बाद गया, बस 2 साल और। अब वापस 2 साल बोल, ऐसे करते करते बेचारे को रेंट पे रुकवा दिया 7 साल के लिए। ये घर लेने के लिए उसने अपना घर बेच दिया था और खुद रेंट पे रह रहा था कि हम तो बढ़िया फ्लैट में रहेंगे, अब मस्त प्रॉपर्टी मिलने वाली है, स्क्रीन पे तो इतना शानदार मॉड्यूलर किचन एंड ऑल सब दिख रहा था। तो अब उस पर्सन के साथ क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। 2 साल बोल के आपने उसको 7 साल तक, भैया उसके बाद उसकी क्या उम्र होगी, उसने किस एज में आपसे प्रॉपर्टी ली? तो ऐसे पहले बहुत केसेस होते थे, ठीक है। झूठ बोल के लोग पहले पैसे ले लेते, क्योंकि आपको बुक कर रहे हो तो आप बुकिंग अमाउंट में भी लैक्स में देते हो, ठीक है। तो वो लैक्स देने के लिए उसने अपना घर बेच दिया, अब वो रेंट पे रह रहा है, ठीक है। ऐसे डिफॉल्ट्स होते थे पहले, तो इसलिए हम रेरा ले आए 2016 में। आप आओ, बिल्डिंग बना रहे हो ना, रजिस्ट्रेशन कराओ। आप प्रमोटर बन रहे हो ना, रजिस्ट्रेशन कराओ। एजेंट बन रहे हो, इनके फ्लैट बिकवाओगे, रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपकी हर चीज का ट्रैक होगा रेरा में, हर चीज इन्फॉर्म करो, हर चीज की कंसेंट लो। टाइम पे खत्म नहीं किया, आप प्रमोटर से हट जाओ, आप ये बिल्डिंग नहीं बनाओगे। तो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन देनी है, आपने नहीं दी तो इसमें किसी और जो जनरल पब्लिक है उसका नुकसान नहीं हो। आपने बिजनेस करना है, आप पैसे ले रहे हो, कितने पैसे ले रहे हो, हमें हर चीज, हम जो रेरा देख रहे हैं ना, अलग सोचो, एमपी के लिए अलग वेबसाइट बनाई हुई है, हमें हर चीज रेरा को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। बिल्डिंग बन रही है, अगर आपने बोल दिया, हमने केस देखा था कॉम्पिटिशन में कि दो दो तरह की, उसने 20 स्टोरीज का पूरी बिल्डिंग बनाई थी और फिर बाद में 2 स्टोरीज और बना दी विदाउट द कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब वो आपने जब लिखा है 20 स्टोरीज बनाओगे तो आप 20 ही बनाओगे, आप 2 और नहीं बना सकते। ये रेरा ने कवर करने की कोशिश की कि आप कहीं से भी कैसे भी करके फ्रॉड कर ही नहीं सकते। आप सामने वाले को बोलो गार्डन मिलेगा, गार्डन मिलेगा तो रेरा को इन्फॉर्म करो कि गार्डन भी बनाएंगे, पूल भी बनाएंगे, और फिर नहीं बनाओगे तो रेरा आपको पकड़ेगी, ठीक है। अब करोना को तो कंसिडर करेगी, तब भी आपने एप्लीकेशन दी होगी कि करोना हमारे बिल्डिंग नहीं बन सकता। तो उन सब लोगों को नोटिस गया है कि अब करोना का कोई एक्ट ही नहीं है, करोना जैसी चीज किसी एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है। हम देख रहे हैं एक्ट में क्या डिफाइंड है, एक्ट के बियॉन्ड कुछ जाता है तो फिर वो कोर्ट और पार्लियामेंट में बैठे लोग डिसाइड करते हैं कि अब उसका क्या करना है, क्योंकि एक्ट बनाने वाले भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। अब इसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स और रीजंस क्या है, रेरा के बेसिक ऑब्जेक्ट्स और रीजंस क्या है? पहला, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी towards allottees and protect their interest। हमने देखा allottees को accountable होना पड़ेगा, उनको सब कुछ पता होगा कि property में आज की date में क्या होना है, क्या चल रहा है, कितना काम चल रहा है, सारी चीज की information कौन है, किसके पास आ जाएगी? allottees के पास, उनका right है। तो हम ये ensure करेंगे कि उनके उनको सब चीज पता है, and protect their interest। Infuse transparency, ensure fair play and reduce frauds and delays. Main object ही इसका है कि हम transparency रखें, fair play रखें और fraud नहीं हो और इनके कोई भी delay नहीं हो. Introduce professionalism and pan-India standardization. क्योंकि हमने registration डाल दिया है तो हमने एक professionalism ला ली है building real estate business में, ठीक है। कि अगर आप इस business में हो तो registrations कराओ, इस तरीके से ही आपको काम करना है, इस act के through ही आपको काम करना है, इसमें जो rules में लिखा है उसी के तहत काम करना है, ये हम act में लेके आए हैं। Establish symmetry of information between promoter and
अलॉटीज, जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ेगी, अभी हमको ये सर्टिफिकेट मिल गया, अभी ये कंप्लीशन हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, आपका पीओपी का काम चालू हो गया, अभी आपके दरवाजे बन रहे हैं, अभी पेंट हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? अलॉट। तो उनके बीच में एक सिमेट्री बना दिए, तो अलॉटीज घर बैठे बैठे भी अपने ये रजिस्ट्रेशन, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का भी चेक कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड कर दी। पैन इंडिया मतलब अब ऑल ओवर इंडिया ना, हर स्टेट में बना दिया रेरा का वेबसाइट। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। इम्पोजिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बोथ प्रमोटर एंड अलॉटीज, हम देखेंगे उनके क्या फंक्शन है अलॉटीज के भी और प्रमोटर्स के भी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन दोनों की, मतलब ड्यूटीज एंड राइट्स। एस्टैब्लिश रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, रातों रात इन्होंने एक रेगुलेटरी बना दी, ठीक है, कि आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आपका मैकेनिज्म, बहुत हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो फटाफट आपके कॉन्ट्रैक्ट का सोल्यूशन मिल जाए। एस्टैब्लिश फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट्स एंड रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अब अगर झगड़े हो रहे हैं तो उनका भी फास्ट ट्रैक, हम फटाफट उसका सोल्यूशन आपको देंगे, हमने ऐसा एक मैकेनिज्म बना रखा है। प्रमोट गुड गवर्नेंस इन द सेक्टर विच इन टर्न वुड क्रिएट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, तो हमने गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की, मतलब जो भी बिल्डर इसमें काम कर रहे हैं उनका जो भी काम करने का तरीका है वो हमेशा फॉलो करें गुड गवर्नेंस। ठीक है, पहला हमने देखा यही है ना, पहला हमने देखा अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अलॉटीज, सब बोलो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अलॉटीज। फिर हमने देखा ट्रांसपेरेंसी, फेयर प्ले, रिड्यूस फ्रॉड्स एंड डिलेज। फिर हमने देखा प्रोफेशनलिज्म एंड पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन, सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन, इम्पोज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बोथ प्रमोटर एंड अलॉटीज, एस्टैब्लिश रेगुलेटरी ओवरनाइट मैकेनिज्म टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, और फिर फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी हमने बना दिया, और लास्ट है गुड गवर्नेंस फॉलो करवा इन दैट विच इट क्रिएट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, मतलब जो भी आपके फ्लैट खरीद रहा है वो बिना डरे बल्कि इस बिजनेस में और आए कि भाई अब तो सब लीगली होगा, हमारे साथ तो कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता, और जो पर्सन है जो प्रमोटर है वो भी गुड गवर्नेंस फॉलो करे कि मेरा इंटेंशन कभी नहीं है किसी और के साथ फ्रॉड करने का। ये हो गए ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस विच द एक्ट हैज फ्रेम्ड आर, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक्ट फ्रेम किया। कुछ सेलियंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, कुछ सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट है, हम वो देख लेते हैं एक बार। एस्टैब्लिश द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये हो गई रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हमने एस्टैब्लिश की है फॉर रेगुलेशन प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, तो हमने जो भी रियल एस्टेट में बिजनेस करना है उसके लिए हमने क्या बना दिया है रेरा, एक रियल एस्टेट अथॉरिटी जो इन सबको देखेगी कि ये लोग काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंश्योर सेल ऑफ प्लॉट अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एज द केस मे बी, सेल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, अब जो भी सेल होंगे बिल्डिंग के, प्लॉट के, फ्लैट के, वो एकदम एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगे, इसमें हम किसी भी अलॉटीज के साथ नुकसान नहीं होने देंगे, हमारा सेलिएंट फीचर है। इंश्योर प्रोटेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे उस बंदे के साथ फ्रॉड हो रहा था, उसने घर रेंट पे लिखा था, हम इंश्योर करेंगे ऐसी चीजें नहीं हो, हर चीज इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स में ही होगी जो रियल एस्टेट के सेक्टर के कंज्यूमर्स है। एस्टैब्लिश एन एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश एन एपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस डायरेक्शंस और ऑर्डर ऑफ रेरा, अब रेरा ने अगर बोल दिया है प्रमोटर को कि तुम निकलो यहां से, तुम गलत बोल रहे हो, तुमने प्रॉपर्टी टाइम पे खत्म नहीं की, अब तुम्हारे इंटेंशन ऐसे नहीं थे, तुम अपने पार्ट पे राइट थे, प्रॉपर्टी शायद तुमने टाइम पे खत्म करी होगी, थोड़ा बहुत बचा होगा, तुम इसके आगे अपील कर सकते हो कि रेरा ने मुझे यहां से डिफॉल्टर में डाल दिया, मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, मैं सही आदमी हूं, तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं जो आपकी अपील्स को सुनेगी, किसके अगेंस्ट, जो ऑर्डर्स रेरा के अगेंस्ट आए, तो हमने एक एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी बना रखा है जिसमें आपकी अपील्स हम सुन सकते हैं। रेगुलेट्स ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर्स एंड प्रमोटर्स फॉर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, अब हमने अलॉटीज और प्रमोटर्स के बीच में, या बायर्स वर्ड लिखा है यानी वो अलॉटीज ही होते हैं, तो उनके लिए जो भी रेसिडेंशियल अपने घर पे रहने के लिए वो लोग अगर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके ट्रांजेक्शन को हम रेगुलेट करेंगे। स्टैब्लिश स्टेट लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटीज कॉल्ड रेरा, अभी हमने एमपी का देखा, तो स्टेट लेवल पे हर स्टेट लेवल पे अथॉरिटी बना रखी है, ऐसे महाराष्ट्र का रेरा अलग होगा, गुजरात का रेरा अलग होगा, तो हमने स्टेट लेवल बना दिया इसको। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद सम एक्सेप्शंस नीड टू बी रजिस्टर्ड विद रेरा, ये एक सेलेंट फीचर है कि आपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है उसमें कुछ एक्सेप्शन है जो आपको नहीं कराने, बाकी सारे आपको रजिस्ट्रेशन कराने कहां
रेरा के अंडर. प्रमोटर्स कैन नॉट बुक ऑफर दीज प्रोजेक्ट्स फॉर सेल विदाउट रजिस्ट्रेशन रजिस्टरिंग देम. बिना रजिस्ट्रेशन के आप बुकिंग भी नहीं ले सकते, एडवांस मनी भी नहीं ले सकते, ना ही इन चीजों को सेल कर सकते हो. आप बिल्डिंग बना दी, बोला बुकिंग ले लो, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप सेल और बुक करा सकते हो. रियल एस्टेट एजेंट्स डीलिंग इन दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो नीड टू रजिस्टर विद रेरा. हमने देखा अभी एजेंट्स भी रजिस्टर्ड थे तो एजेंट्स को भी रजिस्टर कराना. हमने देखा प्रोजेक्ट्स भी रजिस्टर्ड है और एजेंट्स भी. रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द प्रमोटर मस्ट अपलोड डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ रेरा. अब आपके जितने प्रोजेक्ट रजिस्टर हो रहे हैं उनको आपको कहां अपलोड करना है, वेबसाइट पे. जैसे हमने एमपी की अभी वेबसाइट देखी. दीज इंक्लूड द साइट एंड लेआउट ऑफ प्लान एंड शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. तो वेबसाइट में आपको क्या अपलोड करना है, अपना पूरा लेआउट कि ये बिल्डिंग है ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे दिखेगी, ठीक है, और कितने टाइम में आप उसको खत्म कर दोगे, वो सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट में बतानी है. अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर्स ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी मेंटेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड मस्ट ओनली बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. अब आप बुकिंग के पैसे लेते जाओगे, उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लगाओ, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ कि ये इस प्रोजेक्ट का ही पैसा है. जैसे हमने प्रमोटर्स का देखा, एक डेवलपर्स रजिस्टर्ड है, तो भाई उस डेवलपर्स का एक बैंक अकाउंट बना लो, जो जो पैसा आएगा आप उसमें डालो, उसी से अपनी बिल्डिंग बनाओ. राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट बाय कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स. ये लोग क्या कर सकते हैं, अपील के टाइम पे या रेरा के टाइम अपियर हो सकते हैं. मतलब हम लोग रेरा के केसेस हैंडल कर सकते हैं. हमारा बहुत बड़ा स्कोप ऑफ बिजनेस है रेरा सीएस का. Impose stringent penalty on promoter, real estate agents also describes imprisonments. हमने फिर stringent penalties, jail, ये सब भी डाल रखे हैं रेरा में ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो. अब चलो, सब देख रहे थे, कोई भी दो वो बताना वंशिका, कोई भी दो salient features कौन कर सकता है. किसको? बस दो ही बोले थे, बस दो सेलियंट फीचर्स. कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सके और कहाँ ध्यान था? ये तो सिमेट्री तो हमने उसमें देखा था, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में. मैं सेलियंट फीचर्स पूछ रही हूँ. अंशिका दो फीचर्स. कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, रियल एस्टेट के जो भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है. बनाई है पेनल्टीज, बनाते कैसे हैं पेनल्टीज, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें. इम्पोज करते हैं स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट भी अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है तो. दो फीचर्स हो गया ये वाला पॉइंट. ये भी हो गया था, बोला था तुमने तो सुनना था ना जब वो बता रहे थे हमको, बाकी बताने हैं तब तुम पढ़ रही थी वही वाले पॉइंट जो वो बता रहे थे, ठीक है. जिसमें डाउट नहीं है वो बता दो, ठीक है. दो फीचर्स परफेक्ट बना दिए. तुम्हारी सर्दी ठीक नहीं हुई है क्या अभी तक? स्टीम लो स्टीम. क्या करेगा? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अंशिका ने बोला था वैसे. कहाँ हुए हैं अभी? 14 कैसे हो गए? नहीं हुए हैं, दो तो मुझे ही याद है यार.
अच्छे गंदे क्या होते हैं यार, फीचर्स में भी तुमने अच्छे और गंदे निकाले, गंदे पॉइंट है। बोला अभी इसने वेबसाइट में अपलोड करने वाला बोला। हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे प्रोजेक्ट्स के। हाँ और वेबसाइट पे अपलोड करने बोला, परफेक्ट। ठीक है बता रही हूँ। बोला ना इसने, ये अब भी लेआउट तो इसने। चलो ठीक है प्रश्न, चल लेआउट और ये इसका मतलब है कि जब भी आप वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराते हो ठीक है, तो अपना लेआउट, लेआउट यानी डिजाइन होती है, एक आर्किटेक्ट बना के देते हैं आपको कि आपका घर कैसा दिखेगा, तो वो जो डिजाइन आर्किटेक्ट बनाते हैं ना वो आपको सबमिट करना है कि हमारा फ्लैट ऐसा दिखेगा, वो लेआउट प्लान होता है ठीक है। उसका कंप्लीशन कैसे होगा, कितने दिन में होगा, ये सब आपको वेबसाइट में बताना है ठीक है। वो अच्छा, उसने इंश्योर इन सेल वाला नहीं, उसने इंश्योर वाला बोला था कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचा रखते हैं, उसने अलॉटीज के इंटरेस्ट बोल दिया था बस, तो मैंने बोला कंज्यूमर्स का, दिशा ने बोला था आई थिंक। जितना अमाउंट कलेक्टेड है वो सेपरेट बैंक में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, इंप्रिजनमेंट और पेनाल्टीज हम चार्ज करेंगे, प्रमोटर्स कैन नॉट बुक, बुक और रजिस्टर नहीं करा सकते विदाउट, बुक और एडवांस नहीं ले सकते, बेच नहीं सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे याद होने चाहिए, इसने कि पांच याद कर लिए ठीक है, इजी है। सेलियंट फीचर्स ऑफ रेरा, एक बार एडवांटेजेस देख लो, अगर रेरा है तो हमारे पास बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होगा, क्योंकि लोग अपना फॉरेन से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज बनेंगी और रजिस्टर्ड होंगी रेरा के अंडर, इतना लीगल प्रोविजन हम फॉलो करेंगे तो FDI बहुत सारा आएगा। कस्टमर मैनेजमेंट, रेरा से कस्टमर्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि कस्टमर्स का बेनिफिट इंटरेस्ट देखना ही हमारा सेलियंट फीचर है। टाइमली एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, अब किसी को 2 साल बोला तो 2 साल में ही कवर होगा, 7-7 साल तक उस बेचारे को हम नहीं खींचेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसमें इतनी क्लियर शॉर्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है कि कैसे खत्म करना है, पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा। आजकल देखो फ्लैट में ऐसा ही होता है, पहले वो बता देते हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन खत्म होता है तो अपन इनवाइट करते हैं कि हो गया आप अपने इलेक्ट्रीशियन बुला लो, या हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो बीइंग कंपनी हम आपके इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज भी करा देंगे, हम POP भी करा देंगे, हम मॉड्यूलर वाला पार्ट भी करा देंगे, बेसिक फर्नीचर भी करा देंगे। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या आएगा ये होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग अपने हिसाब से कर रहे, 2 फ्लैट बना दिए ऊपर के, अरे पहले नीचे के तो बनाओ, लिफ्ट बनाई नहीं ऊपर के फ्लैट बना दिए, कैसे वो रहने आएगा, वो स्टेयर्स से जा रहे हैं ऊपर, नीचे के फ्लैट पहले दे दो, अलॉट करने तो पहले नीचे वाले दे दो कि लिफ्ट बन रही है, फिर ऊपर वाले अलॉट दो। तो ये रेरा के थ्रू आपकी प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी। ट्रांसपेरेंसी, हमने हर जगह देखा कि हर चीज आप ट्रांसपेरेंट होगी, हर चीज आप वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं। रिडक्शन एंड लिटिगेशन, क्योंकि इतना क्लियर शॉट है सब कुछ, तो आप खुद भी डरोगे, सामने वाला भी आपको डराएगा कि हम केस फाइल कर देंगे अगर आपने काम नहीं किया। तो रिडक्शन एंड लिटिगेशन हो गया है कि अब इतने केसेस फाइल नहीं होते, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट मैनर में वेबसाइट में ही दिख रहा है, हर चीज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आपके साथ फ्रॉड कम होंगे। फिर आते डेफिनेशन, हम कल सारी डेफिनेशन देखेंगे ठीक है। एक बार देखो डेफिनेशन के बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, हमने ये देखा है वेबसाइट में करना होता है। तुमने रीड क्या क्या करना है मैं बता रही हूँ, जितना प्रोसीजरल पार्ट है एक्सप्लेन करूंगी मैं। ये रीड लिखो, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, और जो पढ़ के नहीं आया उसी को ही सारे आंसर्स देने हैं ठीक है, हमें नहीं पता। हाँ खुद ही बता देते हो, तुम लोग इतने मासूम हो, नहीं पढ़ पाए मैम कल ऐसा हो गया था, खुद ही बता देते हो। 427 बाय द टाइम पढ़ते जाओ ना, जैसे हम पहुंचते जा रहे हैं पढ़ते भी जाओ, मैं नहीं कह रही कल ही सब पढ़ के आ जाना ठीक है। हाँ अभी सिर्फ एप्लीकेशन, बाकी मैं पढ़ाऊंगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स रीड करके आना, इसके फंक्शंस रीड करने हैं, बहुत इजी है इसलिए कह रही हूं ठीक है। यही सेम ड्यूटीज, अब भी हमने इतना पढ़ा कि क्या ड्यूटीज होंगे इनके, ये क्वेश्चन में आते हैं। रीड मतलब ये नहीं कि एक बार रीड करके छोड़ना है, रीड करके आना फिर हम डिस्कस करें ठीक है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर,
फंक्शंस एंड ड्यूटीज वापस दिया एक बार प्रमोटर, ये शायद पॉइंटर्स में अलग तरीके से दिया, अपन देखते हैं। सेम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ के आना फिर अपन पढ़ते हैं।